मैं रीमा प्रसाद, सुलगते सवाल के साथ आज हम उस अखंड भारत की पूरी परिकल्पना समझने की कोशिश करेंगे जिस अखंड भारत की चर्चा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुरू की है। अखंड भारत के नए स्वरूप की चर्चा करते हुए भागवत ने पाकिस्तान को लेकर भी इशारों इशारों में बड़ी बात कह दी है। मोहन भागवत ने अखंड भारत का जिक्र करते हुए कहा कि जो भारत से अलग हुए उन्हें एहसास हो रहा है कि उनसे गलती हो चुकी है। इस बयान के मायने क्या है? मोहन भागवत का इशारा किस ओर है? क्या इशारा पाकिस्तान की ओर है? इन सारी बातों पर आज बहस का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले आपको दिखाते हैं अखंड भारत का सपना और एक भारत श्रेष्ठ भारत से कौन परेशान हो रहा है और आखिर इसके पीछे वजह क्या है। जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए, लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना। अखंड भारत वाले मुद्दे पर आरएसएस जो है वो खंडित है। अखंड आरएसएस नहीं है, इसमें आरएसएस में भी अलग अलग विचार है। डॉक्टर मोहन भागवत जी को ये पूरा ज्ञान इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था इसलिए भारत का विखंडन हुआ। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। मोहन भागवत साहब ने अखंड भारत की बात की है, लेकिन आज का जो भारत बना है स्वतंत्रता संग्राम से, उसमें आप कहाँ थे? इसमें कोई शक नहीं, मुल्क शुरू से ही जब से आज़ादी मिली है तब से पूरा भारत जो है पूरा खंड है और इकट्ठे है। भारत की परिकल्पना पर हम बहस के सिलसिले को शुरू करें, उससे पहले आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अखंड भारत जब हम कहते हैं तो उसके मायने आखिर हैं क्या, यानी उसका मतलब होता क्या है। अखंड भारत का मतलब है अविभाजित भारत, वो भारत जिसका भौगोलिक विस्तार प्राचीन काल में था। प्राचीन काल में यह विस्तार अफगानिस्तान तक था। प्राचीन काल में भारत का विस्तार म्यांमार और थाईलैंड तक था। पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा माना जाता रहा है। बांग्लादेश और श्रीलंका अखंड भारत का हिस्सा कहे जाते हैं। तो ये इस वक्त हमने आपको समझाने की कोशिश की कि अगर अखंड भारत कहीं से भी बयान सामने आता है तो उसके मायने है क्या। अगर हम अखंड भारत कहते हैं तो वो कौन कौन से देश हैं जो कि अखंड भारत का हिस्सा रह चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस बात पे परेशानी भी होती है, लेकिन एक बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त जुड़ा है, सबका एक एक करके मैं परिचय करवाऊंगी और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगी सिलसिलेवार तरीके से बहस की। कौन कौन मेरे साथ इस वक्त है, मैं सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं आपसे। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के लीडर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी वीएचपी से, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करती हूँ अजीज खान का। परेशानी किस बात से होती है अगर मोहन भागवत ने ठीक एक साल पहले अगर इस तरीके के बयान दिए कि 15 साल में अखंड भारत का ख्वाब पूरा हो जाएगा। एक बार इसी बयान को उन्होंने दोहराया और कहा कि बुजुर्ग होने से पहले अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। कि भारत जो इतने हिस्सों में बटा हुआ है आखिर वो मुत्तहिद कर लें, एक साथ आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जो हमारा देश है इस वक्त जो मौजूदा हालत में है, मैं तो देख पा रहा हूं कि आज नफरत का जिस तरह बोलबाला है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर इसी देश को तोड़ने की साजिश है। मैं देख रहा हूं जिस तरीके से नफरत फैलाया जा रहा है, तमाम तरीके के धार्मिक मुद्दों को उठाया जा रहा है। हाँ। मुझे लग रहा है कि इस देश को बचाने में बीजेपी सक्षम नहीं है। अगर हम अखंड भारत कह रहे हैं तो